दोस्तों इस समय कुछ मुनव्वर के फैंस उनसे क्या गुहार लगा रहे हैं, और यही नहीं बल्कि इन फैंस का इस जगह पर खड़ा होना और मुनव्वर के लिए इतना ज़्यादा प्यार देना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि भाई सिर्फ बड़े बुज़ुर्ग और बूढ़े ही नहीं बल्कि वो बच्चे भी हैं जो मुनव्वर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये क्लिप आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार आप सभी का, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फीफा फूस पर। मेरा नाम गणेश कांदू है। दोस्तों एक बात तो है कि जितना प्यार मुनव्वर को मिल रहा है, जितना प्यार उनको लोग कर रहे हैं, इस सारे प्यार के वो हकदार ज़रूर हैं, और उसी के साथ साथ इन सारे प्यार की, बोलते हैं ना कि भाई जो तकलीफ़ उन्होंने झेली उसकी कीमत आज उनको प्यार के तौर पे मिल रही है, जो कि लोग लुटा रहे हैं उनके ऊपर, और ये डिज़र्व भी करते हैं वो। आपको बता दूं कि मुनव्वर हैदराबाद सिटी जाने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो बच्चे हैं जो कि मुनव्वर के फ़ोटो बूथ के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्लिप, और कैसे ये क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और मुनव्वर क्यों जाने वाले हैं हैदराबाद में आपको भी बता दूंगा। आप देख सकते हो ये फ़ोटो बूथ पीछे मुनव्वर का है, और ये बच्चे यहाँ पर खड़े होकर एक्साइटमेंट में मुनव्वर के फ़ोटो बूथ के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। दोस्तों हैदराबाद सिटी में 1 अप्रैल को एक इवेंट होने वाला है जिसका नाम है महफिल जायका, उसमें मुनव्वर आने वाले हैं। जिसके बाद भाई कोई लिखता है कि ऑल दैट सो स्वीट, कोई लिखता है कि भाई के हर जॉनरा में फैंस है, चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, भाई को सब पसंद करते हैं। उसके बाद किसी ने मुनव्वर से रिक्वेस्ट किया कि पता नहीं पटना कब आएगा मुनव्वर, भाई आ जाओ यार। फिलहाल दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या ओपिनियंस है, ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।